Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले कनाडियन हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है Pyewacket. ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी. This film is written and directed by Adam MacDonald. IMDb पर इसका रेटिंग है 5.8 out of 10 और 76% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है. ये कहानी है लिया नाम के एक लड़की के बारे में. वो एक टीनेजर है और अपने उम्र के बाकी बच्चों की तरह अपने परिवार से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताना पसंद है उसे. सुबह से दोपहर तक स्कूल, उसके बाद शाम तक अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना और रात होने पर घर लौटना, यही है उसके मैक्सिमम दिन का रूटीन. उसके मेनली तीन दोस्त हैं, जेनिस जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, रॉब और एडन. ये तीनों ही उसकी जिंदगी है, लाइफलाइन, स्पेशली एडन, क्योंकि वो और एडन एक दूसरे को पसंद करते हैं. असल में अपने परिवार से डिटैच्ड होने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी है लिया के पास. परिवार में सिर्फ उसकी माँ ही है. एक साल पहले उसके पिता की मौत हो चुकी है. वो जब जिंदा थे तब सब कुछ नॉर्मल था, खुशहाल परिवार था उनका और लिया भी ऐसी नहीं थी, मगर उनके मौत के बाद ही सब कुछ बदल गया. लिया की माँ मिसेस रेस इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाई. वो डिप्रेशन का शिकार होने लगी और इस डिप्रेशन से डील करने के लिए उन्हें शराब की लत लग गई. लिया से उनका डिस्टेंस बढ़ने लगा और आज तो ऐसी हालत हो चुकी है कि लिया को उनकी परवाह ही नहीं. घर लौटने के बाद भी वो दोनों हार्डली एक दूसरे से बात करते हैं. लिया अपने कमरे में अपने फोन, गैजेट्स और बुक्स लेकर बिजी रहती है और मिसेस रेस अपने बियर बॉटल्स के साथ वो पूरा दिन रोती रहती है. हमें पता चलता है लिया को ब्लैक मैजिक और ऑकल्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है. लिया और उसके दोस्त इन सब चीजों को मानते हैं, बिलीव करते हैं और डिस्कस भी. लिया के पास ऐसे बहुत सारे बुक्स है. उसके कमरे में ऑकल्ट रिलेटेड पोस्टर्स और पेंटिंग्स भरे पड़े हैं. एक दिन उसके स्कूल में आते हैं फेमस पैरानॉर्मलिस्ट ऑकल स्पेशलिस्ट ऑथर मिस्टर रोन डॉफ. इनकी मोस्ट रीसेंट किताब ब्लैक मैजिक के ऊपर है जो लिया की फेवरेट है. इस किताब में उन्होंने एविल के बारे में कई सारे थियोरीज एक्सप्लोर किया है. कुछ रिचुअल्स के बारे में भी पता है लेकिन डिटेल्स में नहीं. लिया को उन रिचुअल्स के बारे में और ज्यादा जानना था तो बुक साइनिंग प्रोग्राम में वो मिस्टर डॉफ से जाके मिलती है, अपने विश के बारे में उन्हें इन्फॉर्म करती है, मगर मिस्टर डॉफ कहते हैं इन चीजों को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं. प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो चारों दोस्त मिलकर किताब के बारे में डिस्कस करने लगते हैं. पार्टिकुलरली एक लाइन उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया था जिस पर लिखा हुआ था, शैतान खुद कुछ नहीं करता, वो लोगों के दिल में बुराई पैदा करता है, उन्हें ललचाता है और फिर उनसे अपना काम करवाता है. इन मैक्सिमम टाइम्स लोग इविल को ही चूज करते हैं और भगवान पर भरोसा करना छोड़ देते हैं. हम और एक बात नोटिस करते हैं, इस ग्रुप में सभी की हालत ऑलमोस्ट सेम ही है. उन्हें अपनी पेरेंट्स की कोई फिक्र ही नहीं, उनके लिए परिवार का कोई मतलब ही नहीं. शायद लिया भी यही मानती है. उस रात घर लौटने में वो कुछ ज्यादा ही लेट कर देती है. वैसे तो वो अपने माँ को इन्फॉर्म करने के बाद ही गई थी, मगर इतना लेट. मिसेस रेस बहुत नाराज हो चुकी थी, वो उस पर बहुत चिल्लाती है और फाइनली ये कहती है कि वो लोग यहाँ से जा रहे हैं, वो और इस घर में नहीं रह सकती, उन्हें जिंदगी की एक न्यू स्टार्ट करना होगा और मिसेस रेस वो एक नए घर से ही करना चाहती है. इस न्यूज से लिया बहुत अपसेट हो जाती है. वो इस जगह को छोड़कर, इस घर को छोड़कर जाने की बात सोच भी नहीं सकती. ये घर उसके पिता के मेमोरीज से भरा पड़ा है, लेकिन वो ये भी समझती है कि यही मेमोरीज शायद उसकी माँ को तकलीफ दे रही हैं. लेकिन यहाँ से जाने का मतलब स्कूल बदलना, अपने दोस्तों से दूर जाना, और वो ये कैसे कर सकती है. मिसेस रेस नेक्स्ट डे ही लिया को लेकर उस नए घर को देखने जाती है. हम देखते हैं ये घर जंगल के अंदर एक डेसोलेट प्लेस में है, एक छोटा सा वुडन कॉटेज. आसपास कोई घर नहीं, चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है. अभी वो लोग जिस जगह पर रह रहे हैं वहां से ये जगह काफी दूर है, मिसेस रेस के ऑफिस और लिया के स्कूल से भी. मिसेस रेस डिसाइड करती है कि वो ऑनलाइन काम करेगी, मगर लिया अपना स्कूल छोड़ना नहीं चाहती थी. अपने दोस्तों से और एरन से वो दूर रहना नहीं चाहती थी, तो मिसेस रेस उसे कुछ महीने का वक्त देती है. इस साल वो इसी स्कूल में रह सकती है, बट नेक्स्ट ईयर शी हैज टू मूव ऑन. तब तक मिसेस रेस ही उसे ड्रॉप करने जाएंगी और वापस लेने भी वही जाएंगी. नेक्स्ट वीक ही वो लोग नए घर में शिफ्ट कर जाते हैं और लिया की लाइफ और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने लगती है. वो अपनी माँ को जैसे सहन ही नहीं कर पा रही थी. उसे लग रहा था उसकी माँ सेल्फिशली सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, अपने लिए उसकी जिंदगी खराब कर रही है, उससे सब कुछ छीनना चाहती है. वो समझ ही नहीं पा रही थी मिसेस रेस जो कर रही है वो उन दोनों के भलाई के लिए ही कर रही है.
उस स्कूल में रहने से, उन फालतू के लूजर दोस्तों से मिलने से लिया पढ़ाई से ज्यादा उन सब फालतू के चीजों पर, ब्लैक मैजिक, ऑकल्ट, इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस करने लगी थी, जो उसके लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं। वो डे बाय डे बदतमीज होती जा रही थी, मगर लिया तो खुद की कोई गलती देख ही नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था सारा दोष उसके माँ का है। उस दिन घर लौटने के बाद माँ बेटी में इस बात को लेकर बहुत बड़ी बहस हो जाती है। मिसेस रेस अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही भला बुरा कह देती है और लिया भी फ्रस्ट्रेटेड होकर जंगल में भागती है अपना गुस्सा निकालने। वो इतनी होपलेस हो चुकी थी कि उसे लग रहा था उसके लिए उसके माँ का मर जाना ही अच्छा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, लिया इस पॉइंट पर एक बहुत ही खतरनाक डिसीजन लेती है। पिछले एक साल से उसने इस ब्लैक मैजिक के बारे में जो भी स्टडी की है, उसी नॉलेज से वो अपने माँ के ऊपर एक कर्स स्पेल करने की डिसाइड करती है। उसके पास सारे सामान हैं, वो एक पेज पर उस रिचुअल प्रोसेस को इवन लिख लेती है और सारे सामान लेकर पहुंच जाती है जंगल के एक ऐसे हिस्से में जहाँ पांचों पेड़ एक साथ खड़ा है। साथ में लेती है एक बोल, मिल्क और मिसेस रेस के कुछ बाल। वो अपना रिचुअल स्टार्ट करती है एक पेड़ पर पत्थर से 3 बार स्ट्रोक करके। इसके बाद वो मंत्र पढ़ने के साथ साथ इन पांचों पेड़ के बिल्कुल सेंटर में एक पेंटाग्राम बनाती है और लाल धागे से पांचों पेड़ को जोड़ती है। अपने माथे पर एक लिक्विड लगाती है, एक बोल में मिल्क डाल के उसमें कुछ पाउडर मिक्स करती है और साथ में डालती है अपना खून। वो 3 बार नाम लेती है पाइवॉकेट विच का, जिसे वो बुला रही है। अगर उसका रिचुअल सही रहा तो ये विच उसकी विश पूरी करेगी, जिसका मतलब है मिसेस रेस मरने वाली है बहुत जल्द। लिया मंत्र जापने लगती है और उस मिक्सचर को एक गड्ढे में डाल के उसी पेड़ के पास फिर से जाकर 3 बार स्ट्रोक करके ये रिचुअल खत्म करती है और उसे इंस्टेंटली फील होता है एक क्रीपीनेस, किसी का प्रेजेंस। उसके हाथ से बहुत खून बह रहा था, वो बहुत वीक फील कर रही थी और उसे डर भी लग रहा था। उसे लग रहा था एक काला साया उसका पीछा कर रहा है। वो जल्दी से घर लौटती है। उसकी माँ डिनर सर्व कर चुकी थी, मगर तभी उनकी नजर पड़ती है उस घाव पर। वो इमीडिएटली फर्स्ट एड कर देती है और पूछती है ये सब कैसे हुआ। लिया कहती है ये एक्सीडेंट है। सच तो वो कह नहीं सकती थी और जब उसकी माँ अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगती है तो उसे गिल्टी फील होना स्टार्ट हो जाता है। उसने ये क्या कर दिया, अपने माँ को मारना चाहती है वो। हाँ, वो कभी कभी उसे डांटती है, मगर उनके सिवा उसका इस दुनिया में और है ही कौन। सरप्राइजिंगली इस हादसे के बाद उन दोनों में झगड़ा बंद हो जाता है। मिसेस रेस भी अभी अपनी बेटी को समझने लगी थी और लिया भी शायद अपने गिल्टी फीलिंग्स के कारण ही अपने माँ से प्यार से बात करने लगी थी। लेकिन जो होना था वो तो हो चुका, उसे जो करना था उसने कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग ही उसे अपने घर का फ्रंट डोर खुला हुआ मिलता है। सामने बहुत सारी मिट्टी पड़ी थी, ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के रास्ते कोई उनके घर में घुसा है। एक दिन वो लोग एक टॉय शॉप पर जाते हैं जहां मिसेस रेस पार्ट टाइम काम करने वाली थी। वहां कुछ कार्ड्स पर कर्मा कोड्स लिखा हुआ था, समथिंग लाइक कुछ मांगते वक्त सावधान रहो, क्या पता कोई तुम्हारी विश सुन ले और वो पूरी हो जाए। उनका रिलेशनशिप धीरे धीरे बिल्कुल पहले जैसा होने लगा था, मगर तभी लिया को पहली बार एहसास होता है उसका रिचुअल काम कर रहा है। उस दिन टॉय शॉप से लौटते वक्त उनकी गाड़ी एक गाड़ी के बिल्कुल सामने आ जाती है। एक बहुत ही बड़ी भयानक एक्सीडेंट बस होने वाली थी, मगर मिसेस रेस किसी तरह से संभाल लेती है। गाड़ी पर एक स्क्रैच तक नहीं लगी थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उसकी माँ जितनी बार उसे सॉरी कह रही थी, लिया को उतनी बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उस रात अचानक से ही उसकी नींद टूट जाती है कुछ आवाज से। उसे ऐसा लग रहा था एटिक में कोई है, किसी के फुटस्टेप्स सुनाई दे रही थी उसे। वो छत से अपनी माँ को बुलाती है, मगर उन्हें वहां कोई नहीं दिखता, तो वो लिया को सो जाने के लिए कहती है। लिया सो भी जाती है, मगर उसी रात हमें उसके कमरे में एक काला साया नजर आता है जो धीरे धीरे उसके तरफ ही बढ़ने लगा था। ये वही विच थी पाइवॉकेट, जिसे लिया ने बुलाई थी। अभी वो आ चुकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग आंखें खुलने पर लिया अपने आप को जंगल में पाती है। उसे नहीं पता वो यहाँ पर कैसे पहुंची और उसके हाथ से उस घाव से फिर से खून बहने लगा था। लिया बहुत ज्यादा डर गई थी। उसी दिन वो सारी बातें अपने दोस्तों से जाकर शेयर करती है और जेनिस उसके साथ उसके घर में जाती है उसका साथ देने। वो भी कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती थी, उसे ये सब बहुत कूल लगता है। वो लिया के साथ इवन जंगल के उस हिस्से में भी जाती है जहां उसने उस रिचुअल को परफॉर्म की थी, मगर ना उसे कुछ आवाज सुनाई देती है ना कुछ फील होता है। देर रात वो लोग सोने जाते हैं, लिया अपने कमरे में और जेन इस लिविंग रूम में काउच पर।
लिया को तो चैन की नींद आ जाती है, मगर कुछ ही घंटे के अंदर जेनिस को अपने सामने कुछ दिखता है। वो चिल्लाने जाती है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सुबह हो चुकी थी और जेनिस घर से गायब हो चुकी थी। पूरे घर में वो कहीं नहीं थी। एट लास्ट बहुत ढूंढने के बाद वो मिसेस रीस के गाड़ी में मिलती है। वो इतना ज्यादा डरी हुई थी कि वो उसी वक्त घर जाना चाहती थी। मिसेस रेस उसे घर छोड़ आती है, मगर उसके बाद जेनिस लिया के साथ सारा कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देती है। उसके घर से पता चलता है उसने अपने आप को कमरे में लॉक कर ली है, किसी से बात नहीं कर रही। लिया समझ चुकी थी ये सब उसके ही काम का नतीजा है, मगर अब वो क्या करेगी? इसी बारे में सजेशन लेने के लिए वो उस पैरानॉर्मलिस्ट मिस्टर डफ को कॉन्टैक्ट करती है, जो उसे कहता है ये ब्लैक स्पिरिट्स, पाइवाकेट जैसे स्पिरिट्स बहुत खतरनाक होते हैं। एक बार तुमने उससे कोई काम करवा लिया तो काम खत्म होने के बाद तुम पर ही हमला करेगी। ये तुमसे ही शुरू होती है और तुम पर ही जाके खत्म होगी। इसे रोकने के लिए तुम्हें उसी स्पॉट पर सेम रिचुअल परफॉर्म करना होगा, बट इन रिवर्स, और हर एक स्टेप पर तुम्हें माफी मांगनी होगी। मिस्टर डफ लिया को वार्न भी करते हैं कि ये स्पिरिट्स बहुत खतरनाक और मैनिपुलेटिव होती है, तो अपने आंखों पर बिलीव बिल्कुल भी मत करना। उस दिन मिसेस रेस उस टॉय शॉप में ड्यूटी पर थी, तो लिया को अकेले ही घर लौटना था। मगर लिया जैसे ही बस से उतर कर चलने लगती है, उसे पक्का फील होता है जंगल के अंदर भी कोई उसके साथ साथ चल रहा है। वो भाग कर घर पहुंचती है, सारे सामान इकट्ठा करती है, मगर उसे अपने माँ के हेयर्स नहीं मिल रहे थे। बहुत मुश्किल से वो ढूंढ निकालती है, उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। किसी तरह से वो जंगल में जा पहुंचती है उसी स्पॉट पर, रिचुअल शुरू भी करती है, मगर तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है जो उसे ही बुला रही थी। लेकिन उसकी माँ तो टॉय शॉप में है। लिया को समझने में देर नहीं लगती कि ये वही विच है जो उसे रोकने की कोशिश कर रही है, मगर उसे भी मिस्टर डफ की बात अच्छी तरीके से याद है। लिया उसके झांसे में फंसने नहीं वाली। वो मंत्र जापने लगती है, लेकिन तभी उसे उसी स्पॉट पर अपनी माँ की लाश दिखती है। हाँ, उसकी माँ की मौत हो चुकी है, उसने देर कर दी, इस विच ने अपना काम कर दिया और अभी वो विच लिया को मारने आ रही है। लिया पैनिक करने लग जाती है और पुलिस को कॉल करती है, लेकिन पुलिस उसकी कोई मदद नहीं कर पाती क्योंकि वो अपना लोकेशन ही बता नहीं पा रही थी, और लोकेशन ट्रैक करने में जो वक्त लगेगा वो भी शायद उसके पास नहीं है। तो लिया एरन को कॉल करती है और उसे यहाँ से ले जाने के लिए कहती है, और उधर हम उस लाश को जिंदा होते हुए देख पाते हैं। कुछ देर बाद ही लिया को एरन का मैसेज मिलता है कि वो उसके घर के सामने पहुंच चुका है। लिया भाग कर घर पहुंचती है, मगर एरन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। असल में ये तो उस विच का चाल था जो उसके लिए उसके ही घर में वेट कर रही थी। वो लिया को घर के अंदर बुलाती है। लिया बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो घर में घुसते ही अपने आप को कमरे में लॉक कर लेती है, दरवाजे के सामने एक चेयर रख देती है, मगर उस विच के लिए यह ब्लॉकेज बहुत ही मामूली था। वो एक झटके में उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाती है, तो लिया भी खिड़की का कांच तोड़कर बाहर छलांग लगाती है, मगर ये चुड़ैल तब भी उसका पीछा कर रही थी, बिल्कुल किसी मकड़ी की तरह चलकर उसके पास आ रही थी। मगर लिया किसी तरह से उसे चकमा देकर फिर से घर में जाकर एटिक में छुप जाती है। वो बार बार प्रे कर रही थी कि कोई मिरेकल हो जाए और वो बच जाए। उसके माँ के साथ जो होना था वो तो हो चुका, उसकी माँ तो मर चुकी है, तो उसे अभी सिर्फ अपनी जान की फिक्र हो रही थी, उसे अपनी जान बचानी थी। वो तो बहुत बार माफी मांगती है, मगर ये विच उसका पीछा करना बंद नहीं करती। वो धीरे धीरे एटिक में जा पहुंचती है, उसके हाथ से चाकू ले लेती है और अपने पास रख लेती है। इसके बाद वो विच उसे अपने कमरे में जाकर सो जाने के लिए कहती है, मगर लिया को नींद कैसे आ सकती है? क्या पता कब वो विच हमला कर दे, उसे उससे पहले इस विच को मारना होगा। तो वो अकेले कमरे में बैठकर एक प्लान बनाती है, और जैसे वो विच सोने चली जाती है, लिया गाड़ी से गैसोलीन निकालकर एक बकेट में भर लेती है। दबे पाव अपने माँ के कमरे में जाकर उस विच पर गैसोलीन डालकर आग लगा देती है। वो विच आग में जलकर राख हो जाती है और साथ में पूरे घर में आग लग जाती है। कुछ देर बाद एरन भी आ पहुंचता है, उसके पास गाड़ी नहीं थी इसीलिए उसे आने में इतना वक्त लगा। वो जल्दी से पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करती है। लिया को भी थोड़ी बहुत चोट पहुंची थी, मगर उसे इस बात की शांति थी कि उसने उस विच को खत्म कर पाई। उसका फर्स्ट एड करने के बाद उसे इंटरोगेशन रूम में लाया जाता है पूछताछ के लिए, और वहां पर उसे जो पता चलता है उससे उसका होश उड़ जाता है। उसे पता चलता है पुलिस को जंगल से कोई लाश मिली ही नहीं, मिली थी उसके घर से, मतलब जिसे लिया ने अपने हाथों से जलाकर मार डाला वही उसकी माँ थी, असली वाली। असल में जिस लाश को उसने जंगल में देखी थी वो तो विच थी,
उसकी माँ तो उसे बुला रही थी पीछे, रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो दुकान वापस चली गई थी। उसे वो मैसेज भी एरन ने नहीं उस विच ने ही भेजी थी उसे घर बुलाने के लिए। तब तो उसे उस विच का असली रूप दिख गया था, मगर वो उसकी असली माँ थी जिसने उसे एटिक से निकाली। वो तब तक घर वापस आ चुकी थी। उन्होंने लिया से सब कुछ जानने की कोशिश भी की, क्यों वो जंगल में गई थी, वो क्या कर रही थी और ये चाकू उसके पास क्यों है। वो ये तक कहती है कि उसने लिया को बहुत बार बुलाई मगर उसका रिस्पॉन्स ना मिलने पर उन्हें लगा कि शायद लिया अभी तक घर वापस नहीं लौटी। ये सारी बातें क्लियरली हिंट कर रही थी उनके असलियत के बारे में। लेकिन लिया तब इतना ज्यादा डरी हुई थी, टेंशन में थी, कंफ्यूज्ड थी कि उसने ध्यान ही नहीं दी। उसे लगा उसकी माँ तो मर चुकी है तो ये जरूर वो विच ही होगी, तो उसने उसे जलाकर मार डाला। जब मिसेस रेस दर्द में चिल्ला रही थी तो एक बार के लिए लिया को लगा होगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, मगर क्या है वो उसे समझ नहीं आया। जंगल में उस लाश को देखकर वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसे लगा भी रिचुअल को रिवर्स करने का क्या मतलब। उसे सिर्फ अपनी जान की फिक्र होने लगी थी। अगर उसने मिस्टर डॉफ का कहना मानकर रिचुअल परफॉर्म कर लेती तो शायद ये सब कुछ नहीं होता, मगर यही तो शैतान का खेल था। उसे रोकने के लिए तो उसने ये सब किया। आखिरकार उस ईविल स्पिरिट ने अपना काम कर ही दिया। उसने खुद तो कुछ नहीं की बल्कि लिया से करवाई, उसे मैनिपुलेट करके उसके दिमाग के साथ खेल के उससे अपने माँ का खून करवाई, बिल्कुल जैसे उस किताब में लिखा हुआ था। ये सब कुछ उससे ही शुरू हुआ था और उसमें ही जाकर खत्म हुआ। वो एक ऐसे डिल्यूशनल स्टेट में पहुंच चुकी थी कि उसे सही गलत का फर्क ही पता नहीं चल पा रहा था। एक गलती को ठीक करने के लिए उसने और एक सबसे बड़ी गलती कर दी, अपनी माँ को ही मार डाला। दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उस रात जेनिस को उसके घर में क्या दिखा था वो तो बताया नहीं जाता, बट वी कैन इजीली गेस कि उसे भी शायद वो विच का काला साया दिखा होगा, जिस कारण के वजह से वो इतनी ज्यादा फ्रिक आउट करने लगी थी। उसे ठीक होने में वक्त तो लगेगा लेकिन फाइनली वो ठीक हो जाएगी, लेकिन लिया वो शायद कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। उससे जो गलती हुई है उसी गलती का एहसास उसे कभी ठीक होने ही नहीं देगा। उसे अपना पूरा जीवन इसी गिल्टी फीलिंग्स के साथ जीना होगा कि उसके कारण आज उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों ये फिल्म सुपरनैचुरल हॉरर से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल हॉरर है। हाँ, इस फिल्म में कुछ सुपरनैचुरल एलिमेंट है, कुछ सीन्स में हमें वो उस विच की झलक दिखने मिली, लेकिन उससे भी ज्यादा ये फिल्म लिया पर फोकस करती है। कैसे वो अपने पिता के मौत के बाद धीरे धीरे इन सब चीजों में फंस गई और अपने माँ को ही बलि का बकरा बना दिया। बट गाइस, इस फिल्म में जनरली फोकस लिया जैसे टीनेजर्स पर किया गया है, उनके जनरेशन पर, जिनके साथ उनके पेरेंट्स और परिवार का एक ह्यूज गैप है, जिन्हें परिवार का मतलब ही नहीं पता। परिवार के लोग तो उनके लिए स्ट्रेंजर्स लगते हैं, उनसे ज्यादा अपने दोस्तों से वो लोग ज्यादा प्यार करते हैं। ये सारे ब्लैक मैजिक्स, ऑकल्ट, ये सब बहुत कूल लगता है इन लोगों को। इनके असर के बारे में इन डेप्थ डिटेल्स पता किए बिना ही लिया ने अपने माँ पर इसे अप्लाई कर ली, सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए। सिर्फ कुछ बुक्स पढ़ के उसे लगा उसे सब कुछ पता चल चुका है। हाँ, उस रिचुअल के बारे में तो पता था, मगर इसका असर कितना भयानक हो सकता है, कैसे बैकफायर कर सकता है, वो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। और वैसे भी कोई कितना भी गुस्सा कर ले, अपने माँ के लिए कैसे कोई मौत मांग सकता है। मगर इस फिल्म में लिया ने ऐसा ही की, क्योंकि इस फिल्म का टैगलाइन ही तो ये है, इसी पर फोकस करता है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, समवन माइट बी लिसनिंग, और ये समवन शैतान भी हो सकता है। शैतान से कुछ मांगने पर वो तो देगा ही, मगर बदले में तुमसे जो छीन लेगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। एंड द स्केरियस्ट पार्ट इज, इसमें गुनहगार सिर्फ तुम रहोगे और कोई नहीं। सो इन सब ब्लैक मैजिक, इन सब चीजों से दूर रहना ही सही है कि नहीं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।